दोस्तों, भारत में दो ऐसे राजा हुए जिनका नाम दुनिया के सबसे महान नायकों में लिया जाता है। ये थे अकबर और महाराणा प्रताप। ये दो ऐसा राजा थे जिनका आपस में कभी नहीं बनी, भले ही मुगल और राजपूत एक वक्त पर एक साथ आए थे, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अगर ये दोनों एक साथ होते तो शायद भारत का तस्वीर कुछ और ही होता, लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इन दोनों को ही बहुत ही महान माना जाता है। कोई अकबर को महान बोलता है तो कोई महाराणा प्रताप को। चलिए आज जानते हैं कि इन दोनों में से कौन था ज्यादा महान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। दोस्तों, अकबर पहला मुगल था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आपको बता दें कि अकबर हमेशा से हर धर्म के लोगों को महत्व देता था। शायद उसकी वजह थी उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी। आपको बता दें कि अकबर का जन्म भी एक हिंदू के घर में हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। आपको बता दें कि बैरम खान 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। माना जाता है कि अकबर का विचार बहुत ही महान था, वो हर धर्म का सम्मान करता था। अकबर का मानना था कि सभी धर्म एक साथ हो, इसीलिए उन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, जो सभी धर्मों के मूल बातों को ध्यान में रखकर दीन ए इलाही धर्म बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने गैर मुसलमानों को, यानी जो लोग मुसलमान नहीं थे, उन लोगों को कभी भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया था। यहाँ तक कि अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जाजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर जल्द ही इस बात को समझ गया था कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए धर्म के साथ भेदभाव करना ठीक ना रहेगा, इसीलिए उसने राजा मानसिंह को सेनापति बनाया था। अकबर ने अपने धर्म के अलावा कई धर्मों को औरतों को मिला करके 30 से भी ज्यादा शादियां किया था। लेकिन अकबर की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पत्नी हिंदू थी, जिनका नाम जोधाबाई था। ये एक हिंदू धर्म की राजपूत राजकुमारी थी। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। राजा भारमल ने अकबर के अधीनता को स्वीकार करते हुए अपनी बेटी जोधा की शादी अकबर से करवा दी थी। अकबर मात्र ऐसा राजा था जिसके दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिसे नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। उसमें राजा मानसिंह भी थे, जो कि जोधाबाई के भतीजे थे। उसके साथ ही अकबर के दरबार में तानसेन बीरबल जैसे लोग भी थे। कहा जाता है कि बीरबल और तानसेन भी पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। हालांकि अकबर महान था, लेकिन मुगलों के रणनीति के मुताबिक वो भी हमेशा से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने कई राजपूत योद्धाओं से युद्ध भी किया। वहीं कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और उन्हीं में से एक थे राजा भारमल, जिन्होंने अपनी बेटी जोधाबाई की शादी अकबर से करवा दी थी। लेकिन इन्हीं राजाओं में से एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी अकबर के आगे घुटने टेकना मंजूर नहीं किया और ना ही कभी हार मानी। यहाँ तक कि वो बाकी राजाओं को भी मुगलों के सामने यही करने की सलाह देते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी किक्का नाम लेकर पुकारा करते थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। दरअसल महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के एक रानी के साथ ज्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपनी पसंदीदा रानी भटियानी रानी के बेटे को गद्दी दे दी, जबकि इस गद्दी का हकदार बड़े होने के कारण महाराणा प्रताप थे, जबकि जनता भी हमेशा से महाराणा प्रताप को ही पसंद करती थी। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच बहुत ही मनमुटाव हो गया था और दोस्तों, यही मनमुटाव आगे जाकर इतिहास के युद्ध हल्दी घाटी के वजह बना था। दरअसल 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उस समय राजवंशों में यह परंपरा था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और बेटा भी गायब था और वो था भटियानी रानी का बेटा जगमाल सिंह। ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा को पता चला कि जगमाल सिंह महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है, तो दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन तब तक जगमाल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर के इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद बादशाह ने जगमाल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य दे दिया। वही उन दिनों अकबर ने अपने शासन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों पर अपना कब्जा कायम करने की योजना बना रहा था। अकबर उस समय काफी शक्तिशाली शासन बनकर उभर रहा था, जिस कारण राजस्थान में लगभग कई राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर ने कई सालों तक महाराणा प्रताप को मुगल
मुगल वंश स्वीकार करने का पत्र भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने घुटने टेकने का कभी मंजूरी नहीं था। अकबर ने कहा कि वह बाकी राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ में लगे। इसीलिए वो अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। उत्तर के बाद 4 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने भी इनकी बात नहीं सुनी। जब आखिर तक भी महाराणा प्रताप नहीं माने तो आखिर में अकबर ने युद्ध करने की ठानी और युद्ध को इतिहास के पन्नों पर अच्छी खासी जगह मिली, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के दो महान शासकों के बीच था जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। लेकिन दोस्तों, ये दोनों एक साथ आते तो शायद भारत के तकदीर कुछ और ही होता। जब अकबर ने अपने हर तरकीब से नाकाम हो गया, तब अकबर ने भी आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसीलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं के सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली बड़ी सेना के सामने अपने 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय बहुत सारे राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ ना देकर अकबर का साथ दिया था, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। भले ही इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की सेना का बहुत ही डटकर सामना किया था। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के घोड़े ने भी उनका खूब साथ दिया था। चेतक के ताकत के पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके मुंह के आगे हाथी के सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक प्रताप अपने पीठ पर लेकर 26 फुट के उस नाले को पार कर गया था जिसे मुगल कभी पार कर न सके। हालांकि उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला था और ना ही तो अकबर की सेना जीती और ना ही महाराणा प्रताप के, लेकिन महाराणा प्रताप इस युद्ध के बाद बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन इतिहासकार आज इस बात का दावा नहीं करते कि इस युद्ध का विजेता कौन रहा, क्योंकि ये युद्ध बीच में ही रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वह चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी गुलामी को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप तभी उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं किए और अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हुआ और महाराणा प्रताप कभी भी उनके सामने नहीं झुके। और इस बीच 1597 में 29 जनवरी की उनकी मृत्यु हो गई और ये खबर अकबर को मिली तो अकबर भी शोक में पड़ गया था। उसके जिंदगी में महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे शासक थे जिसके झुकाने के लिए अकबर ने एड़ी चोटी जोर पे लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, अकबर और महाराणा प्रताप में कौन महान थे? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।